गए हैं और ढोल लगाड़ो के साथ जश्न मनाते हुए वहां पर नजर आ रहे तमाम समर्थक। तो डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनका इंतजार हो रहा है और चंद मिनटों में वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे और जो ढोल नगाड़ों का जश्न है वो और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो लगातार हर एक आंकड़ा हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है और 87 सीटों पर 199 में इस वक्त नगर पालिका में जो बीजेपी है वो लीड कर रही है। बीएसपी अगर हम बात करें 41 सीटों पर नगर पंचायत अध्यक्ष में, बीजेपी 197 पर, एसपी 86, कांग्रेस 10 और अदर्स की बात करें तो बिल्कुल पीछे नहीं है, 206 सीटों पर अन्य है इस वक्त। और नगर पालिका में बीजेपी 87, बीएसपी 19, एसपी 40, कांग्रेस 6 और अन्य की बात करें तो 47 सीटों पर। तो निर्दलीय प्रत्याशियों का भी जो है वो दमखम साफ तौर पर नजर आ रही है। देखिए स्वतंत्र सिंह यहां पर नजर आ रहे हैं जो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें जहां पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। डिप्टी सीएम के बाद स्वतंत्र सिंह भी पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो उनके नेतृत्व में भी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। और अब एक बार फिर से यहां पर बीजेपी ने 17 की 17 मेयर सीट पर जो है वो जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो निकाय में बाबा की बुलडोजर की धूम नजर आ रही है और जिस तरीके से ताबड़तोड़ एनकाउंटर्स भी हुए हैं, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, तमाम जो माफिया है उन पर सख्ती बरती गई है, उसका नतीजा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और निकाय की लड़ाई और 24 की चढ़ाई की ओर अब अक्सर बीजेपी नजर आ रही है। तो बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल है, लगातार समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर बदस्तूर जारी है। तो आपको बता दें तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त ये लखनऊ प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें जहां पर बीजेपी ऑफिस में जश्न का माहौल नजर आ रहा है और एक के बाद एक तमाम सीटों के जो अपडेट हैं वो न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। महापौर में 17 की 17 बीजेपी के पास हैं, बाकी दल जो है वो शून्य पर हैं। और उसके अलावा अगर हम अगर पंचायत की बात करें, नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में 199 में बीजेपी 87, बीएसपी 19, एसपी 40, कांग्रेस 6, अदर्स 47 पर। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी 202, बीएसपी 38, एसपी 87, कांग्रेस 9 और अन्य जो है वो 204 पर लीड कर रहे हैं। तो हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं, तमाम सीटों के आंकड़े वो आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे थे बीजेपी कार्यालय उस दौरान की तस्वीर और ये मुख्यमंत्री के काफिले की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो पहुंच चुका है बीजेपी दफ्तर और चंद मिनटों के बाद मुख्यमंत्री नजर आएंगे और तस्वीरें आप देख रहे हैं, एरियल व्यू जो है वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच रहे हैं अब बीजेपी कार्यालय में जो कि विधानसभा के ठीक सामने है, वहां पर पहुंच चुके हैं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें चंद सेकेंडों में आपके सामने और देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच गए हैं और मुख्यमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। ये देखिए स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम अन्य जो नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं और इसके अलावा आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी ऑफिस पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अविनाश हमारे सहयोगी वहां से लगातार बने हुए। अविनाश, क्या कुछ इस दौरान की तस्वीरें हैं, जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा दूं, बीजेपी दफ्तर के अंदर इस वक्त चूंकि मैं मौजूद हूं और यहां पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, संजय निशा जो कि सरकार के सहयोगी हैं, ये तमाम नेता पहुंच चुके हैं। हालांकि जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, वो पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। और देखा जाए तो निकाय चुनाव में बीजेपी की ये प्रचंड जीत है क्योंकि क्लीन स्वीप किया है इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने। और खासतौर पर अगर हम मेयर सीट की बात करें तो सभी 17 जो नगर निगम है सभी निगमों में बीजेपी ने कब्जा कर लिया एक तरीके से। चूंकि देखा जाए तो पिछली बार 16 में से 14 निगमों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन इस बार चूंकि जो एक नई सीट बढ़ी है, जो एक नया नगर निगम बढ़ाया गया है, तो 17 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में आई है। और वहीं अगर हम नगर पालिका की बात करें या फिर नगर पंचायत की बात करें
तो इन दोनों ही सीटों पर भी बीजेपी ने कह सकते हैं कि विपक्षियों का एक तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया है। तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। और वैसे में अगर हम बीजेपी दफ्तर की बात करें तो यहाँ पर जीत का जश्न भी, चूंकि जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं पहले से ही यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, हालांकि अब मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम और जो पार्टी की जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि माना जा रहा है कि सीएम यहाँ पर थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी की जीत हुई है उस जीत को लेकर मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से इस चुनाव में कह सकते हैं कि शानदार जीत हासिल की है, कहीं ना कहीं उससे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बढ़ा है। क्योंकि अगर हम अगले चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में भी चूंकि बीजेपी को जाना है और माना जा रहा है कि उस चुनाव की तैयारी भी बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है, कुछ कार्यकर्ता उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। एक बड़ी जीत है, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा ने इस बार साबित कर दिया है कि डबल इंजन सरकार भी अभी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इतनी बड़ी जीत हासिल करके ये साबित कर दिया है कि आने वाला 2024 में भी 80 की 80 सीटें भाजपा के कोटे में जाने वाली है। तो देखिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी काफी उत्साहित हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से निकाय चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी है उसका एक साफ सा मैसेज है, एक संदेश है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें भी बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। लेकिन ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम हैं। और चूंकि यहां पर अब जीत का जश्न मनाया जाएगा उसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे और उसके बाद प्रेस को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री, जिसमें जीत को लेकर जो तैयारी पहले से बीजेपी ने शुरू की थी या जो तमाम कोशिशें की गई थी उसको लेकर माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री यहां पर तमाम चीजों को साझा करेंगे। तो इंतजार है मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले जीत का जो जश्न होने वाला है उसकी तस्वीर हम आपको यहां सीधे दिखाने वाले हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता है आप तस्वीर देखिए अभी भी जुटने चूंकि पहले से जुटे शुरू हो गए थे और बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार चले आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अगर हम लखनऊ नगर निगम की बात करें तो चूंकि बीजेपी का एक बहुत ही मजबूत गढ़ बहुत पहले से लखनऊ को माना जाता रहा है और पिछले कई दशकों से लखनऊ नगर निगम पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। इस बार भी सुषमा खरकवाल जो कि बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो यहां से जीत चुकी है और वो भी माना जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर बाद जो यहां की मेयर प्रत्याशी थी बीजेपी की वो सर्टिफिकेट लेने के बाद वो यहां पर आएंगी। जो तमाम इनके दूसरे पार्षद हैं वो यहां पर मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में यहां पर जीत का जश्न शुरू होगा। बिल्कुल, तो जीत का जश्न लगातार वहां देखने को भी मिल रहा है और मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो नेता हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के आगमन के बाद उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया और अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री नजर भी आएंगे जब वो पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे। ये तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में जब दोनों डिप्टी सीएम नजर आ रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को आप देख पा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ में नजर आ रहे हैं और लगातार हर एक अपडेट स्टेट आप तक पहुंचा रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो बीजेपी ऑफिस में इस वक्त जश्न का माहौल है और बीजेपी 17 नगर निगम सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। तो नगर पालिका में 86 सीटों पर बीजेपी है, बीएसपी 19, एसपी 40 सीटों पर, इसके अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष में बीजेपी 198, 42 पर बीएसपी, एसपी 85, कांग्रेस 10, अदर्स जो है वो सबसे आगे हैं 205 सीटों पर, अन्य जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, तमाम बीजेपी के जो नेता है वो नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में और उसके अलावा संगठन मंत्री धर्मपाल जो है वो मुंह मीठा कराते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री उनका, उसके अलावा डिप्टी सीएम भी वहां पर मिठाई खिलाते हुए धर्मपाल को नजर आ रहे हैं। तो 205 सीटों पर निर्दलीय आगे है और ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल जो है वो नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। अविनाश, कितनी देर में मुख्यमंत्री संबोधित करने वाले हैं?
देखिए अभी बीजेपी दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं और साथ में दोनों डिप्टी सीएम जो संगठन के महामंत्री हैं धर्मपाल वो मौजूद हैं और यूपी बीजेपी के जो प्रभारी हैं प्रदेश के राधा मोहन सिंह वो अंदर मौजूद हैं। चूंकि देखा जाए तो एक बड़ी जीत है, जो पार्टी के नेता हैं वो मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया, लेकिन अंदर चूंकि जिस तरीके से बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल की है उसके बाद अब बीजेपी की लाइन लेंथ क्या रहने वाली है अगले लोकसभा चुनाव को लेकर, जाहिर सी बात है हालांकि ये वो मौका नहीं है चूंकि ये जश्न का मौका है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो पार्टी है वो उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है, तो जाहिर सी बात है कि नेता भी उत्साहित होंगे। तो उस लिहाज से अब आगे की प्लानिंग को लेकर बातचीत हो रही होगी, लेकिन उसके बाद चूंकि यहां पर जश्न मनाया जाएगा और उसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल होंगे, हालांकि माना जा रहा है कि जश्न के बाद मुख्यमंत्री प्रेस को संबोधित करेंगे जिसमें तमाम चीजों को मुख्यमंत्री जो प्रेस के लोग होंगे उनसे साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले की अगर देखिए बात करें तो जिस तरीके से पूरे प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में, वैसे में एक बड़ी जीत है। चूंकि देखिए इससे पहले अगर हम इससे पहले के चुनावों की बात करें तो बीजेपी को खास तौर पे शहरी एक पार्टी का तमगा मिला हुआ था, और इससे पहले अगर हम ढाई दशक की बात करें तो निगमों में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर था, लेकिन इतनी बड़ी जीत बीजेपी को कभी हासिल नहीं हुई थी। और खासतौर पर अगर हम नगर पंचायतों की बात करें या फिर नगर पालिका परिषद की बात करें तो इन दोनों